जिले के एंचोड़ा कंबो में पीएम मोदी द्वारा कल्कि धाम का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह के दौरान सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भावी अवतरण भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की परंपराओं को वैश्विक मान्यता मिल रही है। हर साल 21 जून को दुनिया के 200 देश भारत की ऋषि परंपरा से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही पिछले 10 साल में हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। इस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी के साथ ही राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपन तक पहुँचाने का संकल्प भी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने बताया कि संभल में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ के दौरान सरकार का प्रयास होगा कि पश्चिमी यूपी के लोग इस एक्सप्रेसवे के जरिए तेज गति से प्रयागराज पहुंचेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज, पूज्य स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संतजान सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पूज्य संतजान और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है संभल जनपद में आगमन हुआ है।